भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी द्वारा दो दिन से हुई बारिश से किसान की फसलों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देने और चेक पोस्ट पर अवैध वसूली को बंद करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वही भीम आर्मी भारत एकता मिशन के अध्यक्ष विशाल मेघवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर परिवहन चेक पोस्ट है जहां कई दिनों से अवैध वसूली की जा रही है, उसे बंद किया जाए। अगर यह अवैध वसूली बंद नहीं की गई तो हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चेक पोस्ट पर भारी संख्या के साथ आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी काशीराम जिला इकाई नीमच द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारी पहली मांग है कि नीमच जिले के सभी क्षेत्रों में लगभग दो तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे अभी जो फसलें सोयाबीन की फसलें हैं वो अभी कटाई पर थी, उनका भारी नुकसान हुआ है। सभी फसलें खेतों में पड़ी है, पानी में तैर रही है, जिससे सोयाबीन की फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसीलिए शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, बिना सर्वे करवाए सभी किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए सोयाबीन का। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा पर परिवहन सीमा एक चेक पोस्ट है, नया गांव चेक पोस्ट पर अवैध वसूली कई दिनों से कई वर्षों से चली आ रही है। वहां पर वाहन चालकों के पास पर्याप्त वाहनों के कागज होने के बाद भी उनसे अवैध वसूली की जाती है, उनको डराया धमकाया जाता है और उनको कई घंटों तक वहां चेक पोस्ट पर बिठाया जाता है, जिससे वाहन मालिकों को भी नुकसान होता है और वाहनों पर जो कच्चा माल होता है उसका भी भारी नुकसान होता है, जिससे हमारी मांग है कि जो अवैध वसूली की जा रही है चेक पोस्ट पर कर्मचारियों द्वारा, उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेकर के अवैध वसूली को बंद किया जाए। अगर अन्यथा अवैध वसूली बंद नहीं की गई चेक पोस्ट द्वारा तो हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चेक पोस्ट पर भारी संख्या के साथ उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी समस्त शासन प्रशासन की रहेगी।